line as a item song or third romantic or romantic. Then the movie movies have you asked it, why you choose like a biopic of this sports person? बायोपिक इसलिए चूज़ करी, एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी है. और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे, तो ये जो कमबैक है ये इतना स्ट्रांग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी. और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी. सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर सूरमा है. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. यस, प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में और उतना ही पैशन 2.5 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है. बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है. सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी 2.5 साल की, ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं यू नो कामयाब हुए हैं. सो Yeah.